सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च। उसमें हम लोग सीखने वाले हैं बिगम मेथड और चार्ल्स पेनल्टी मेथड, है ना। तो बिगम मेथड का लास्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था हम लोगों ने, आज प्रॉब्लम नंबर टू है, है ना। तो आज लास्ट लेक्चर में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखा था, आज हम लोग मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम लेके आए, है ना। जैसे आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का, यूज बिगम और चार्ल्स पेनल्टी मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीवी, है ना। और मैक्सिमाइजेशन जेड ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस 3x3, है ना। सब्जेक्टेड टू थ्री कंस्टेंट है, पहला वाला एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेट इज लेस देन इक्वल टू 20, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 5 और एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना। और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाना है ना। तो चलो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले मैक्सिमाइजेशन जेड का इक्वेशन एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसमें अब इक्वेशन में और चीजें ऐड होगी, है ना। उससे पहले हम लोग को कंस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा। देखो सब में पहले अब एक्स वन प्लस एक्स टू, जब भी देखो लेस देन इक्वल टू रहेगा, जब भी लेस देन इक्वल टू रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल को सिर्फ ऐड करना है, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एस वन आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 20, राइट। अब देखो, अब सेकंड वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू है, अब इज इक्वल टू रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। बिगम मेथड में जब भी इज इक्वल टू आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, ए को ऐड कर देंगे सिर्फ, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस ए वन इज इक्वल टू 5, ओके। अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो क्या करना है आप लोग को, ग्रेटर देन इक्वल टू में स्लैक वेरिएबल को सब्सट्रैक करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एस, अब देखो एस वन यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा एस टू, है ना, प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पे ए वन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए टू, है ना, इज इक्वल टू कितना है हमारा 10 है, है ना। तो ये यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया। अब z के इक्वेशन में भी ये जो नए वेरिएबल्स आए हैं, ये वेरिएबल्स इधर ऐड हो गए, है ना। जैसे सिंपलेक्स मेथड में होता था वैसे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस s1 और s2 आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 0s1 प्लस 0s2, है ना। उसके बाद देखो प्लस, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आए हैं ना, क्योंकि ये बिगम मेथड है, तो बिगम मेथड है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, m आएगा, कैपिटल m आएगा, है ना। तो अब ये जो कोएफिशिएंट आने वाला है m, यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करना है, माइनस m लेना है, ओके, माइनस m a1 माइनस m a2, ओके। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का z का पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, और इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों भी कंप्लीट हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये 2 है और ये हमारा 3 है, है ना। अब यहाँ पे भी बाकी के वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, x1 x2 x3 तो आपके आ जाएगा s1 कॉमा s2 कॉमा a1 कॉमा a2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन खत्म हो गया, तो अब हमको टेबल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो टेबल है, फर्स्ट सिंपलेस्ट टेबल जो है उसको हम लोग को सब में पहले फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे टेबल मैंने बना के रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, तो सब में पहले क्या करेंगे, z की इक्वेशन को देखो, z की इक्वेशन में जितने कोएफिशिएंट आए हैं ये बेसिक वेरिएबल में, यहाँ पे ये रो में पूरे कोएफिशिएंट आ जाएंगे, ओके। अब इनका हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे हम लोग करते हैं हर एक मेथड में, इनका कोएफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे ना। तो देखो एक्स वन, एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स टू का कोएफिशिएंट क्या है, -1, ओके। उसके बाद देखो x3 का क्वेश्चन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन उसके बाद देखो s1 s2 दोनों का क्वेश्चन 0-0 है, तो यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा। a1 a2 का क्वेश्चन क्या है, -m है, तो यहाँ पे माइनस m और माइनस m आ जाएगा, ओके, इतना आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। तो सब में पहले बेसिक वेरिएबल के कॉलम में देखो, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल्स आएंगे। देखो सब में पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो स्लैक वेरिएबल को यूज करो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस वन, ओके, एस वन का देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे एस वन का क्वेश्चन क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में देखो ए वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन आ गया, ओके। अब ए वन का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस एम है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एम, ओके।
अब उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर थ्री में एस टू भी है ए टू भी है, तो इसको प्रेफरेंस देना है ए टू को, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए टू, और इसका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे माइनस एम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस एम। ओके, अब एस वन रो ए वन रो और ए टू रो ये सारे के सारे रो कंप्लीट करना है। तो एस वन रो के लिए इक्वेशन नंबर वन के क्वेश्चन, एस टू रो के लिए इक्वेशन नंबर टू, और ए टू रो के लिए इक्वेशन नंबर थ्री, इस तरह से क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो पहले इक्वेशन नंबर वन देखते हैं, एक्स वन का क्वेश्चन क्या है, एक्स वन और एक्स टू दोनों का क्वेश्चन क्या है वन वन है, तो एक्स वन का क्वेश्चन वन, एक्स टू का क्वेश्चन वन, एक्स थ्री का कोई टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एक्स थ्री जीरो। उसके बाद देखो एस वन है सिर्फ, है ना, एस वन वन आएगा, है ना, एस टू या ए वन ए टू एस टू कुछ दिख रहा है क्या इधर, कोई नहीं है ना, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा जीरो जीरो एंड जीरो। सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में इज इक्वल टू क्या है ट्वेंटी है, तो सोल्यूशन में आ जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी। ओके, अब देखो अब ए वन रो को कंप्लीट करना है, ए वन रो के लिए क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, एक्स वन और एक्स थ्री का क्वेश्चन वन है, है ना, तो देखो एक्स वन और एक्स थ्री का क्वेश्चन वन है, एक्स टू है नहीं, तो इसको जीरो कर दो। उसके बाद देखो एक्स वन एक्स थ्री बाद एस वन एस टू कोई है क्या, नहीं है, डायरेक्ट ए वन है, है ना, तो देखो एस वन एस टू दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ए वन वन आएगा वापस, ए टू जीरो, क्योंकि ए टू है क्या यहाँ पे, नहीं है, इज इक्वल टू क्या है फाइव, तो सोल्यूशन के कॉलम में आ जाएगा फाइव। ओके, अब ए टू रो को कंप्लीट करना है, इक्वेशन नंबर थ्री देखो क्या है, एक्स टू एक्स थ्री है, एक्स वन अब्सेंट है, तो एक्स वन अब्सेंट मतलब यहाँ पे जीरो, एक्स टू एक्स थ्री है तो वन वन आ जाएगा कोएफिशिएंट। उसके बाद एस टू देखो माइनस एस टू है, तो एस टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एस टू की जगह पे आ गया माइनस वन, एस वन जीरो, है ना, क्योंकि एस वन नहीं है, ए टू है, है ना, तो ए टू की जगह पे आ गया प्लस वन, ए वन नहीं है तो ए वन जीरो, है ना, इज इक्वल टू क्या है टेन है, तो यहां पे आ जाएगा टेन। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग को ZJ कैलकुलेशन करना है। देखो ZJ रो को कंप्लीट करना है, तो ZJ रो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पे। तो देखो ZJ रो का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखो ZJ रो का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से बेटर डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। सब में पहले क्या करना है, ये जो सीबीआई कॉलम के जो भी कोएफिशिएंट है इनको हर एक इसके कोएफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जैसे कि जीरो इंटू वन, है ना, प्लस माइनस एम इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू जीरो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। उसी तरह से जीरो इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू जीरो प्लस माइनस एम इंटू वन, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से सारे को मल्टीप्लाई करना है, आंसर इधर लिखते जाना है। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट ZJ कैलकुलेशंस। ओके, ZJ कैलकुलेशन में सब में पहले देखो लिखने की भी जरूरत है, यहाँ पे कर दो, बहुत इजी है। देखो जीरो इंटू वन जीरो हो गया, देखो माइनस एम इंटू वन क्या होगा माइनस एम, है ना, अब माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, ये दोनों टर्म ऊपर के जीरो, बचा नीचे बीच में वाला टर्म क्या माइनस एम इंटू वन क्या होगा माइनस एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम, है ना, तो सब में पहली वैल्यू आ गई हमारी माइनस एम। ओके, अब देखो अब दूसरी वैल्यू देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जीरो इंटू वन जीरो हो गया, माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, माइनस एम इंटू वन क्या आ गया माइनस एम। ओके, अब देखो अब थर्ड वैल्यू के लिए देखते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस एम इंटू वन माइनस एम, फिर बाद में माइनस एम इंटू वन माइनस एम, देखो माइनस एम मिला के क्या हो गया माइनस टू एम हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करके बताता हूं मैं, एक्स थ्री के लिए क्या हो जाएगा, एक्स थ्री के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा माइनस एम प्लस माइनस एम, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस एम माइनस एम, तो माइनस एम मिला क्या हो जाएगा माइनस टू एम, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस टू एम, है ना, तो यहां पे आ गया माइनस टू एम, है ना। अब एस वन के लिए देखो यहां पे देखो ये दोनों जीरो जीरो, देखो माइनस एम इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस एम इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो इंटू वन ये भी जीरो हो गया, तो यहां पे आ गया आंसर जीरो। ओके, अब देखो जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो, माइनस एम इंटू माइनस वन, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस एम आ जाएगा। उसके बाद देखो जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, सिर्फ बीच में वाला बचा माइनस एम इंटू वन, क्या आ जाएगा माइनस एम आ जाएगा। ओके, अब देखो अगेन जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस एम इंटू जीरो जीरो, माइनस एम इंटू वन क्या आ गया माइनस एम आ गया। ओके, अब देखो अब क्या होगा सॉल्यूशन के लिए, जीरो इंटू ट्वेंटी जीरो हो गया, माइनस एम इंटू फाइव माइनस फाइव एम,
माइनस एम इंटू टेन माइनस टेन एम, देखो माइनस टेन एम प्लस माइनस फाइव एम क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन एम, तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे, माइनस फिफ्टीन एम आ गया। ओके अब देखो, अब सीजे माइनस जेड जे का वैल्यू निकालना है हम लोग को। सीजे माइनस जेड जे के लिए क्या करेंगे, सिंपल सीजे की जो वैल्यू है इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। देखो वन माइनस माइनस एम, है ना। अब यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात है, देखो वन माइनस माइनस एम, यहां पे स्टूडेंट गलती करते, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा आंसर, वन प्लस एम आएगा। ओके क्या आएगा, वन प्लस एम। तो यहां पे पहला वैल्यू आ गया हमारा वन प्लस एम। उसके बाद देखो माइनस वन माइनस माइनस एम, देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस एम, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन प्लस एम। ओके तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस एम। ओके ये सेकंड वाली वैल्यू आ गई। अब थर्ड वाली वैल्यू ये वाली देखो, है ना, क्या हो जाएगा, थ्री माइनस माइनस टू एम, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस माइनस टू एम, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस टू एम, है ना, आंसर आएगा थ्री प्लस टू एम। तो यहां पे लिख दो थ्री प्लस टू एम। ओके अब देखो जीरो माइनस जीरो, ये जीरो हो गया, है ना। उसके बाद देखो जीरो माइनस एम, तो क्या आएगा आंसर, माइनस एम आएगा, है ना। जीरो माइनस एम मतलब माइनस एम आंसर आ जाएगा, यहां पे आ गया माइनस एम। ओके अब उसके बाद देखो माइनस एम माइनस माइनस एम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस माइनस एम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, तो बचा क्या, जीरो, है ना। तो माइनस एम प्लस एम चला गया, क्या बचा, जीरो। यहां पे भी सेम देखो, माइनस एम माइनस माइनस एम, तो माइनस माइनस करने से ये वाला प्लस एम हो जाएगा, तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल, तो बचा क्या, जीरो। तो यहां पे आ गया जीरो। ओके तो देखो इस तरह से हमारा सीजे माइनस जेड जे रो कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग को चेक करना है ऑप्टिमैलिटी के लिए। देखो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये है कि भाई जो भी सीजे माइनस जेड जे रो है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। लेस देन और इक्वल टू जीरो मतलब जो भी वैल्यूज है सीजे माइनस जेड जे रो में कि जितने सारे वैल्यू है ये सारे के सारे एक तो जीरो होने चाहिए या फिर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए ना, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, मिनिमाइजेशन से एग्जैक्टली अपोजिट। ओके तो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू हो या फिर जीरो वैल्यू हो। अब देखो जैसे हम लोग को पता है ये एम मतलब क्या है, एम मतलब सब में बड़ी वैल्यू, है ना, बिगेस्ट वैल्यू। ओके तो आप देखो यहाँ पे ये प्लस एम है ना, प्लस एम मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे प्लस है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्या है प्लस टू एम, है ना, प्लस टू एम मतलब ये बड़ी वैल्यू, है ना, ये एम से डबल हो गया ना, टू एम मतलब, है ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई ना, थ्री प्लस टू एम, है ना, यहाँ पे टू एम आया मतलब एम सब में बड़ी वैल्यू है, टू एम मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी वाली हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, है ना, ये वाली थ्री प्लस टू एम। तो देखो थ्री प्लस टू एम क्या हो गया हमारा, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हो गई, है ना। तो ये वाला अब ये देखो ये वैल्यू किसकी है, वन टू थ्री, ये किसकी, एक्स थ्री की, है ना। तो अब यहाँ पे जो एक्स थ्री रो है ये वाला रो क्या हो गया हमारा, की कॉलम हो गया ये, है ना, ये वाला हो गया की कॉलम, एक्स थ्री कॉलम, क्योंकि एक्स थ्री की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये की कॉलम हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना होता है, अब की रो फाइंड आउट करना होता है ना। तो की रो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा। ओके तो रेशो निकालते हैं, रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो के लिए सिंपल, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या करना है, की कॉलम की वैल्यू, है ना। देखो अब ट्वेंटी डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आएंगे ना, तो इन्फिनिटी यहाँ पे लिखना नहीं है, तो इसको छोड़ दो, है ना, डायरेक्टली जीरो भी लिख सकते हो आप, या फिर छोड़ दो उसको, लिखो ही मत कुछ, है ना, इन्फिनिटी आएगा। ओके अब देखो उसके बाद फाइव, फाइव डिवाइडेड बाय वन मतलब क्या आएगा, फाइव बाय वन मतलब फाइव आ गया आंसर, है ना। उसके बाद देखो टेन, टेन डिवाइड बाय वन मतलब यहाँ पे भी टेन आ गया आंसर, है ना, यहाँ पे आ गया टेन, है ना। अब देखो अब ये तीनों वैल्यू मिल गए रेशियो के, तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना है ना। तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सीधा सीधा समझ में आ रहा है हम लोग को, पांच है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, है ना, दस से दस तो बड़ा है पांच छोटा है। ओके तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज फाइव, तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला मिल गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया की रो। ओके देखो की रो मिल गया, की एलिमेंट मिल गया, अब क्या करना है, अब ये दोनों का जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये क्या रहता है, की एलिमेंट होता है। ओके
अब देखो इंटरिंग वेरिएबल कौन सा, x3 इंटरिंग वेरिएबल, और a1 क्या है, लिविंग वेरिएबल है ना। जैसे देखो a1 लिविंग वेरिएबल है, तो जो आप नेक्स्ट इटरेशन करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, तो नेक्स्ट इटरेशन जब भी करोगे आप, तो बेसिक वेरिएबल में a1 नहीं आएगा, क्योंकि a1 क्या है, a1 इज अ लिविंग वेरिएबल है ना। तो a1 लीव कर दिया तो उसको बेसिक वेरिएबल के टेबल से भी लीव कर देना, निकाल देना उसको, है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना हम लोग को, है ना। तो a1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो अब नेक्स्ट इटरेशन टेबल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इटरेशन टेबल में सब में पहला कौन सा रो फिलअप होगा, न्यू रो, है ना। अब न्यू रो कौन सा रहता है, जो की एलिमेंट का रो है, न्यू वाला वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू लिखते हैं। S1 तो एज इट इज रहेगा, S1 यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट 0 एज इट इज। A2 भी एज इट इज रहेगा, और इसका कोएफिशिएंट -m है, वो एज इट इज। अब A1 के जगह पे क्या आ जाएगा, X3, है ना। तो A1 के जगह पे आ गया X3, और X3 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, तो अब देखो न्यू रो कौन सी है, ये है 3 और X3, है ना। तो ये वाली न्यू रो है, यहाँ पे लिख दो इसको न्यू रो, है ना, फॉर्मूले में हमको काम में आती है न्यू रो, है ना। और ये है हमारा न्यू रो, तो न्यू रो सब में पहले कंप्लीट होगा। तो न्यू रो के लिए क्या फॉर्मूला है, न्यू रो के लिए फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा, क्या होता है, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, है ना। तो की एलिमेंट तो मिल गया हम लोग को 1, है ना, और ओल्ड वैल्यू मतलब कौन से वाले वैल्यू, ये वाले वैल्यू, ये ही रो के वैल्यू, है ना, ये की रो के वैल्यू, है ना। की रो के वैल्यू को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा, कोई भी चीज को हम लोग 1 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता, वही आंसर आता है ना। तो इस रो के जो भी वैल्यू है वो चेंज हो गए क्या, नहीं होगी, सिंपल सी बात है। देखो मैं बोलता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 करो, आंसर क्या आएगा 1, 1 डिवाइड बाय 0, है ना, क्या आएगा 0, सॉरी 0 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा 0, उसके बाद 1 बाय 1 आ गया आंसर 1, उसके बाद देखो 0 0 डिवाइड बाय 1 आंसर आ गया 0, 0 बाय 1 आंसर आ गया 0, 1 बाय 1 आंसर आ गया, सॉरी ये तो लेना ही नहीं A1 अपने को, ये देखो 0 0 डिवाइड बाय 1 आंसर आ गया 0। ओके, अब देखो अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी देख लो 5 है ना, 5 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आ गया 5। ओके, वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारा का सारा रो सेम रहेगा, क्योंकि 1 आ गया की एलिमेंट, और 1 से डिवाइड करेंगे आंसर वही आएंगे सारे के सारे। अब देखो अब अपने को क्या करना है, S1 और A2 रो कंप्लीट करना है। तो S1 रो के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो S1 रो के कैलकुलेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, ओल्ड वैल्यू माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, है ना, इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, है ना। अब की कॉलम का वैल्यू देखो कौन सी वाली, S1 रो, S1 रो में की कॉलम में कौन सा वैल्यू है, 0 है, है ना। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू हो गया, है ना, और ओल्ड वैल्यू मतलब ये सारे वैल्यू रो के, है ना, इनटू इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, करस्पॉन्डिंग ये न्यू रो के वैल्यू से। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं, अभी यहां पे लिख देते हैं हम लोग S1 रो कैलकुलेशंस, है ना। देखो अब थोड़ा सा तुमने दिमाग लगाया होगा, प्रीवियस प्रॉब्लम मेरे देखे होगे तो आपको क्लिक हो गया रहेगा अभी तक कि ये वाले रो में भी जो वैल्यू आएंगे वो एज इट इज यही सारे के सारे वैल्यू आने वाले, है ना। क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो की कॉलम जो वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 0 है, है ना, उससे न्यू रो के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का सारा आंसर 0 हो जाएगा, बचेगी क्या, सिर्फ ओल्ड वैल्यू, है ना। देखो करके बताता हूं, 2-3 करके बता तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे X1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले X1 के लिए ओल्ड वैल्यू हमारा 1 माइनस देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 0, है ना, इनटू अब करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग न्यूरो का वैल्यू क्या है, 1 है। देखो अब 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया वो 0 हो गया, ये कट गया, सिर्फ बचा क्या 1, मतलब ओल्ड वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया 1, है ना। उसी तरह से देखो सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगेन 1 है ना, ओल्ड वैल्यू X2 के लिए 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम का जो वैल्यू होता है ये 0, ये सारी की सारी रो के कैलकुलेशन के लिए वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, इनटू अब देखो सेकंड में न्यू रो में वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इनटू 0 तो और 0 हो गया, बड़ा 0, है ना, तो ये 1 ही आएगा यहाँ पे भी, है ना। तो इस तरह से इस रो के सारे वैल्यू सेम रहेंगे, एक भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, करके देख लो ये कैलकुलेशन वैसे ही आएगा, क्योंकि ये 0 कांस्टेंट होने वाला है, तो 0 से जो भी न्यू रो के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये ओल्ड वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू मतलब यही रो के वैल्यू, है ना। तो इसमें देखो 1 1 0 यहाँ पे भी आएगा 1, इधर आएगा ये 0, A2 का आ गया 0, और सॉल्यूशन में भी क्या आएगा 20। ओके, 6 नहीं है 0 है, ओके, प्रॉपरली लिखते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, A2 रो का कैलकुलेशन करना है, A2 रो को कैलकुलेट करेंगे, A2 रो का कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे।
देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए टू रो कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दो। ओके अब फॉर्मूला वही है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू न्यू रो वैल्यू। अब ए टू रो के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, वन है, जो कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके अब देखो सबसे पहले एक्स वन के लिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स वन के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एक्स वन के लिए देखो ओल्ड वैल्यू क्या है, जीरो है, तो देखो जीरो माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन है, तो वन इंटू देखो न्यूरो का वैल्यू, देखो यहाँ पे न्यूरो में क्या है, वन है, तो वन इंटू वन, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन, है ना, तो आंसर क्या आया माइनस वन, है ना, तो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस वन। अब देखो ओल्ड वैल्यू क्या है, वन है, है ना, तो यहाँ पे एक्स टू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ओल्ड वैल्यू इज वन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू तो वन ही है इंटू न्यूरो का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये जीरो हो गया, बचा क्या, वन बचा, तो यहाँ पे आ गया वन। अब देखो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे एक्स थ्री के लिए, एक्स थ्री का देखो ओल्ड वैल्यू कितना है, एक्स थ्री के लिए ओल्ड वैल्यू है वन, तो वन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन इंटू यहाँ पे भी क्या है, वन है, न्यूरो के वैल्यू में भी वन है, तो वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो, है ना, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा जीरो। अब देखो अब नेक्स्ट करते हैं एस वन के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो एस वन के लिए कैलकुलेट करेंगे, एस वन का वैल्यू देखो, एस वन का ओल्ड वैल्यू है जीरो, है ना, अब देखो जीरो माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन आ गया इंटू, अब देखो न्यूरो में वैल्यू क्या है, न्यूरो में भी वैल्यू है जीरो, तो इंटू जीरो, तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, टोटल टर्म जीरो हो गया, एस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ गया जीरो। अब देखो एस टू, एस टू के लिए कैलकुलेट करते हैं, एस टू का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। एस टू में देखो ओल्ड वैल्यू कितना है, एस टू में ओल्ड वैल्यू है माइनस वन, है ना, तो देखो माइनस वन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, वन है इंटू न्यूरो में देखो, एस टू में न्यूरो में वैल्यू क्या है, जीरो है, जो ग्रीन कलर का है हमारा न्यूरो, एस टू का न्यूरो में वैल्यू है जीरो, देखो वन इंटू जीरो जीरो हो गया, बचा क्या माइनस वन, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। अब देखो ए टू के लिए कैलकुलेट करते हैं, ए टू के लिए कैलकुलेट करेंगे, ए टू में देखो यहाँ पे ए टू में क्या वैल्यू है, वन है, वन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन इंटू न्यूरो में देखो, ए टू में न्यूरो में वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये क्या बचा, वन बचा, ये जीरो तो वन जीरो हो गया, तो बचा वन, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया वन। अब सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन में देखो ओल्ड वैल्यू कितना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ओल्ड वैल्यू है हमारा टेन। ओके तो देखो टेन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन इंटू न्यूरो में देखो सॉल्यूशन में वैल्यू है फाइव। ओके तो क्या हो जाएगा टेन माइनस फाइव, तो आंसर आ जाएगा प्लस फाइव, है ना, तो यहाँ पे भी आ गया प्लस फाइव आ गया, है ना, तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों रो कंप्लीट हो गए। अब ZJ का कैलकुलेशन करते हैं। देखो ZJ को कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला हमारा, क्या करना है हम लोग को, ये सारे कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, है ना, क्योंकि अभी थ्री भी आ गया है ना। ZJ कैलकुलेशन सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ZJ कैलकुलेशन। ओके ZJ कैलकुलेशंस सबसे फर्स्ट जो करेंगे हम लोग वो एक्स वन रो के लिए करेंगे, है ना। अब देखो एक्स वन रो का कैलकुलेशन करेंगे, एक्स वन रो के लिए, तो एक्स वन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स वन के लिए देखो जीरो इंटू वन जीरो हो गया, थ्री इंटू वन यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं, देखो जीरो इंटू वन प्लस फिर क्या आएगा थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन उसके बाद देखो माइनस एम इंटू माइनस वन, है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस एम इंटू माइनस वन। अब देखो ये तो जीरो हो गया टर्म, प्लस थ्री इंटू वन ये थ्री हो गया प्लस, अब देखो माइनस एम माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एम आ जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या आंसर थ्री प्लस एम, तो आंसर में क्या आएगा थ्री प्लस एम, तो यहाँ पे आ गया थ्री प्लस एम आ गया। ओके ये आ गया थ्री प्लस एम, ये पहली वाली वैल्यू हो गई। अब सेकेंड वाली वैल्यू के लिए देखो एक्स टू के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, इसको तो देखने की जरूरत नहीं, जीरो इंटू वन जीरो हो गया, अब देखो थ्री इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, माइनस एम इंटू वन क्या बचा माइनस एम, है ना, माइनस एम इंटू वन मतलब क्या आएगा माइनस एम ही आएगा, है ना। अब देखो अब अगेन देखो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या थ्री इंटू वन मतलब सिर्फ थ्री आएगा यहाँ पे आंसर। ओके अब देखो अब
जीरो इंटू वन जीरो, थ्री इंटू जीरो ये भी जीरो, माइनस एम इंटू जीरो ये भी जीरो, तो आंसर आ गया पूरा मिला के आंसर आ गया जीरो। अब अगेन देखो जीरो इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, माइनस एम इंटू माइनस वन, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा आंसर प्लस एम आएगा, आंसर आ गया प्लस एम। अब ये लास्ट वाला जीरो इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू जीरो ये भी जीरो, माइनस एम इंटू वन, आंसर क्या आएगा माइनस एम। ओके तो आंसर आ गया हमारा माइनस एम, है ना। अब जेड जे के लिए कैलकुलेट करते हैं, देखो जीरो इंटू ट्वेंटी जीरो हो गया, थ्री इंटू फाइव है ना, थ्री इंटू फाइव क्या हो जाएगा फिफ्टीन है ना, उसके बाद माइनस एम इंटू फाइव क्या हो जाएगा माइनस फाइव एम, तो देखो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा फिफ्टीन माइनस फाइव एम, है ना, ये आ जाएगा जेड जे का कैलकुलेशन, है ना। अब देखो अब सी जे माइनस जेड जे रो को कैलकुलेट करना है, तो सी जे माइनस जेड जे रो के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पे ही कर लेते हैं। सी जे का जो रो है, देखो सी जे का जो रो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले भी आप लोग को बताया कि सी जे का जो रो होता है वो कितने भी इटरेशन आने दो सी जे का रो सेम रहता है, वो चेंज होता है क्या नहीं होता है ना। ये यहाँ पे x1 का क्वेश्चन वन, ये माइनस वन, ये थ्री, यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और a2 के लिए a1 तो इलिमिनेट हो गया, a2 के लिए क्या है माइनस m है। ओके अब देखो सी जे माइनस जेड जे मतलब वन माइनस थ्री प्लस एम, है ना। तो देखो अब सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेशन यहाँ पे सब में पहला x1 के लिए करते हैं, क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री प्लस एम। ओके अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री माइनस एम, तो वन माइनस थ्री क्या आ गया माइनस टू माइनस एम, है ना, तो ये वाला आंसर आ गया माइनस टू माइनस एम, पहला वाला आंसर आ गया माइनस टू माइनस एम। उसी तरह से एक्स टू के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्स टू के लिए देखो पहला वाला गया माइनस एम माइनस वन, माइनस वन माइनस माइनस एम, देखो क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस एम, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस एम, है ना, तो यहां पे आ गया माइनस वन प्लस एम। ओके अब देखो अब थर्ड वाली वैल्यू के लिए करते हैं, देखो थ्री माइनस थ्री क्या आ गया जीरो, है ना, ये तो पता है बताने की जरूरत नहीं, जीरो माइनस जीरो ये भी जीरो आ गया, जीरो माइनस एम ओके क्या आ जाएगा माइनस एम आ जाएगा ना, कौन सा वाला है एस टू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो एस टू के लिए क्या हो गया जीरो माइनस एम, है ना, तो जीरो माइनस जीरो तो चला गया तो बचा गया माइनस एम बच गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस एम। उसके बाद देखो माइनस एम माइनस माइनस एम, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस एम प्लस एम कैंसल, ए टू के लिए देखो माइनस एम माइनस माइनस एम, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस एम प्लस एम, ये कैंसल बचा जीरो, है ना, तो यहां पे आ गया जीरो। ओके तो इस तरह से सी जे माइनस जेड जे रो भी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अब टाइम है ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन चेक करने का, तो ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो क्या होना चाहिए सी जे माइनस जेड जे रो शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब सी जे माइनस जेड जे रो में सारे के सारे वैल्यू एक तो क्या होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए या फिर जीरो होने चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो एम माइनस है मतलब ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहाँ पे भी एम नेगेटिव है मतलब ये सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव, लेकिन इसको छोड़ के, है ना, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है एक्स टू रो की वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस एम, है ना, प्लस एम मतलब एम की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो ये एम प्लस है मतलब ये टोटल इसका आंसर प्लस में आएगा, है ना, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्टिमैलिटी को रीच किया गया नहीं किया, मतलब नेक्स्ट इटरेशन को जाना पड़ेगा, सेकंड इटरेशन बनाना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए समय पहले, अब ये एक ही पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग को मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं, एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, यही हमारा क्या है की कॉलम है ना, तो यही हमारा की कॉलम है, तो ये वाला आ जाएगा एक्स टू वाला, ये है हमारा की कॉलम, एक्स टू कॉलम दैट इज की कॉलम। ओके अब ये की कॉलम में लिए, अब बारी है की रो फाइंड आउट करने की, है ना, तो देखो की रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, की रो के लिए हम लोग को रेशियो निकालना पड़ता है ना? तो रेशियो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू, है ना, तो सॉल्यूशन कितना है हमारा 20, 20 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आएगा 20। ओके देन 5 डिवाइड बाय 0, है ना, देखो 5 डिवाइड बाय 0 अगेन क्या आएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसको हम लोग को काउंट नहीं करना है ना। अब
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये वाली 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, 20 और 5 दोनों में मिनिमम क्या है, 5 है, तो 5 इज आवर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, हेंस इट इज अ की रो, है ना, की रो इज ए टू रो, है ना, तो ये वाला हमारा क्या है, की रो है। देखो इस तरह से की रो मिल गया, की कॉलम मिल गया, इंटरसेक्शन पे ये की एलिमेंट भी मिल गया, 1, है ना, 1 इज अ की एलिमेंट, है ना। अब की एलिमेंट मिल गया तो अब क्या करना है, इंटरिंग वेरिएबल कौन सा रहेगा, फिर इंटरिंग वेरिएबल रहेगा ये हमारा x2 इंटर करेगा और a2 लीव करेगा, है ना, तो a2 एलिमिनेट हो जाएगा, x2 इसके जगह पे आ जाएगा, माइनस m की जगह पे -1 आ जाएगा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट इटरेशन की तरफ। देखो तो अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या रहेगा, नेक्स्ट इटरेशन में सबसे पहले s1 एज इट इज रहेगा, है ना, और s1 का कोएफिशिएंट इधर 0 एज इट इज रहेगा, है ना, उसके बाद ये 3x3 भी एज इट इज रहेगा, है ना, और x3 का ये कोएफिशिएंट 3 भी एज इट इज रहेगा, है ना। अब लीव कौन कर रहा है, a2 लीव कर रहा है, a2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, है ना, तो यहां पे अब यहां पे आ जाएगा हमारा x2, है ना, और x2 का क्वेश्चन क्या है, -1 है, तो यहाँ पे आ गया -1, है ना। और जैसे कि देखो बेसिक वेरिएबल के रो में से यहां से अब a2 भी इलिमिनेट हो गया, सब में पहले a1 इलिमिनेट हुआ था, अब a2 भी इलिमिनेट हो गया, है ना। तो अब देखो अब क्या करना है, अब सब में पहले हम लोग को कौन सा वाला कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यू रो का कैलकुलेशन, तो न्यू रो कौन सा वाला है, ये वाला, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं न्यू रो, है ना, दिस इज आवर न्यू रो। अब न्यू रो का कैलकुलेशन करना है हम लोग को, न्यू रो क्या होता है, न्यू रो का सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या है, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की एलिमेंट क्या है, अगेन की एलिमेंट इज 1, है ना, अगेन की एलिमेंट इज 1, की एलिमेंट 1 होने का मतलब क्या होता है, सिंपल ये जितनी भी रो है इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 1, 1 बाय 1, 0 बाय 1, 0 बाय 1, -1 बाय 1, 1 बाय 1 और 5 बाय 1, है ना, तो हर एक चीज को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा न्यू रो का, है ना, न्यू रो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट, की एलिमेंट है हमारा 1 और ओल्ड वैल्यू मतलब ये वाले रो के वैल्यूज, है ना, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसलिए न्यू रो में जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू आ जाएगी वापस से, ना क्या आएगा, -1 उसके बाद 1 देन 0 देन अगेन 0, है ना, s1 के लिए 0, s2 के लिए क्या है -1, ओके, a2 तो आएगा नहीं, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारा 5, तो सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई 5, ओके, क्यों आ गया समझ में आ गया ना, की एलिमेंट 1 है, 1 से डिवाइड किया तो आंसर वही आ गया, ओके। अब s1 और x3 रो को हम लोग को कंप्लीट करना है, चलो तो s1 और x3 रो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो सब में पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग s1 रो के लिए, तो s1 रो का कैलकुलेशन, चलो क्या है फॉर्मूला, है ना, अभी तक तो फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया रहेगा, है ना, तो सब में पहले यहां पे लिख देते हैं हम लोग s1 रो कैलकुलेशंस, है ना, क्या है फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, न्यू रो वैल्यू मीन्स ये वाली वैल्यू जो ग्रीन कलर में दिख रहे नंबर, है ना, और ओल्ड वैल्यूज मतलब ये वाले s1 रो के प्रीवियस इटरेशन के वैल्यूज, मतलब ये वाले वैल्यूज, है ना, और यहाँ पे की कॉलम करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, 1 है, तो पूरे रो के लिए 1 कॉन्स्टेंट रहेगा, ओके। तो चलो सबसे पहले x1 के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, x1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड वैल्यू है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू भी 1 है इंटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो में वैल्यू क्या है -1, तो देखो ये माइनस यहां पे आ गया तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो यहां पे पहला वाला वैल्यू आ गया हमारा 2, ओके। अब देखो अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है हमारा यही वैल्यू है, तो 0 आने वाला हम लोग को पता है ना, कैलकुलेट करके बता देते हैं, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू भी 1 और न्यू रो में वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 0। अब x3 का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखो x3 रो में देखो ओल्ड वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ओल्ड वैल्यू क्या है 0 है, है ना, तो अब देखो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 है इंटू न्यू रो का वैल्यू, देखो x3 में न्यू रो का वैल्यू क्या है 0 है, देखो ये 0 और ये 0 दोनों 0 हो गए, तो बचा गया 0, है ना, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। अब s1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, s1 में देखो ओल्ड वैल्यू है ना ये कितना है 1 है, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1
एस वन में न्यूरो का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये तो टर्म जीरो हो गया, बचा क्या सिर्फ वन बचा है ना, तो यहाँ पे आ गया वन। अब एस टू रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, एस टू में देखो, एस टू में ओल्ड वैल्यू कितना है, एस टू में ओल्ड वैल्यू है यहाँ पे जीरो है, जीरो माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू वन इंटू एस टू रो में न्यू रो का वैल्यू कितना है माइनस वन। अब देखो ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस वन आ जाएगा आंसर, है यहाँ पे आ गया प्लस वन। देन सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन का वैल्यू देखो, ओल्ड वैल्यू कितना है सोल्यूशन के लिए 20 है, ओल्ड वैल्यू 20 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1, न्यूरो में सोल्यूशन का वैल्यू कितना है 5 है, तो देखो 20 माइनस 5 तो कितना बचेगा 15 है ना, तो यहां पे आंसर आ गया 15। ओके, इस तरह से एस वन रो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एस थ्री रो है ना, एक्स थ्री रो के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग एक्स थ्री रो का कैलकुलेशन है ना, फॉर्मूला वही रहेगा है ना, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू न्यूरो वैल्यू। अब एक्स थ्री रो के लिए, एक्स थ्री रो के ये ओल्ड वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, जीरो है, देखो वापस से वही केस है ना, जब भी करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू अगर जीरो आता है ना, अगर ये जीरो आता है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये रो के जो वैल्यू है यही सेम वैल्यू ऊपर आ जाएंगे, है ना, कैसे आएंगे बताता हूं मैं, देखो सब में पहला वैल्यू का कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग, देखो एक्स वन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड वैल्यू क्या है वन है ना, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है जीरो है, इंटू अब देखो न्यूरो का वैल्यू, यहाँ पे न्यूरो का वैल्यू माइनस वन है। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी आने दो, करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करने का इसका आंसर जीरो हो जाएगा है ना, ये पूरा टर्म जीरो होगा, बचेगा क्या ओल्ड वैल्यू मतलब वन है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पहली वन है ना, दूसरी तो यहाँ पे जीरो ही है ना? क्या हो जाएगा जीरो माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू जीरो इंटू न्यूरो का वैल्यू वन है, तो आंसर आ गया जीरो है ना? उसी तरह से क्योंकि करस्पॉन्डिंग की कॉलम की जो वैल्यू है अब ये जीरो, ये कांस्टेंट रहेगी हर एक के कैलकुलेशन के लिए है ना, अभी जीरो से हम लोग इतने सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो आंसर जीरो आने वाला है ना, तो मतलब बचेगा क्या, बचेगी सिर्फ ओल्ड वैल्यू है ना, तो ओल्ड वैल्यू मतलब यही वैल्यू, तो यही वैल्यू ऊपर आ जाएंगे ना, जैसे कि वन है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ये जीरो का जीरो आ जाएगा, एस टू के लिए कितना है, एस टू के लिए अगेन जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ए टू तो हमको लेना नहीं है, और ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन का फाइव भी एज इट इज इधर फाइव आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लो आप एग्जैक्ट आएगा आंसर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये यहाँ पे यही रो एज इट इज यहाँ पे आ गई। ओके, 101001005, ओके ये वाला जीरो नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सारा का सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब जेड जे कैलकुलेशन करना है, तो चलो जेड जे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो जेड जे का कैलकुलेशन करेंगे। जेड जे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे पता है आप लोग को, है ना, अभी किया था हम लोगों ने दो बार, है ना, वैसे ही करना है सेम। देखो क्या करना है, यहाँ पे है जीरो, सॉरी इधर, ओके, जीरो इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, है ना, तो इस तरह से सब में पहले लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एक्स वन के लिए, सब में पहला क्या है जीरो इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, है ना, ये टर्म तो जीरो चला गया, थ्री इंटू वन मतलब ये थ्री, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री प्लस वन क्या आ गया फोर, है ना, तो यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया हमारा फोर, है ना, तो फर्स्ट वैल्यू मिल गया हम लोग को फोर। अब ये वाला वैल्यू देखते हैं एक्स टू के लिए, है ना, तो क्या करना है जीरो इंटू जीरो ये जीरो हो गया, थ्री इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, माइनस वन इंटू प्लस वन आंसर क्या आएगा माइनस वन, सिंपल है ना, ये बाकी के दो तो जीरो हो गए ना, तो आंसर आ गया माइनस वन। उसके बाद देखो ये जीरो इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस वन इंटू जीरो ये भी जीरो, ये दो जीरो के वजह से ये दो टर्म जीरो हो गए, थ्री इंटू वन मतलब आंसर सिंपल आ गया प्लस थ्री। ओके, अब इस वाले के लिए क्या, यहाँ पे दो जीरो है मतलब ये दो जीरो के वजह से ये दो कैंसिल हो जाएंगे, देखो क्या होगा जीरो इंटू वन जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, तो सारा का सारा जीरो ही हो गया। अब देखो जीरो इंटू वन जीरो, थ्री इंटू जीरो ये भी जीरो, माइनस वन इंटू माइनस वन, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा आंसर प्लस वन। ओके, अब देखो सॉल्यूशन के लिए करते जीरो इंटू फिफ्टीन जीरो हो गया, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन है ना, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, उसके बाद देखो माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव है ना, देखो सॉल्यूशन के लिए करके बताता हूं, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग जीरो इंटू फिफ्टीन
प्लस 3 × 5 प्लस −1 × 5, ये तो टर्म जीरो का बचेगा, 3 × 5 = 15 और ये −5, तो आंसर क्या आएगा 10 प्लस 10, तो यहां पे आ गया ZJ में प्लस 10। ओके, अब क्या करना है, अब CJ माइनस ZJ के वैल्यू निकालना है। सिंपल, देखो क्या करना है, 1 − 4 कितना आ गया 3। ओके देखो, सॉरी −3 आएगा, 1 − 4 है ना, −3। ओके देखो, −1 − −1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर देखो, −1 − −1 तो क्या हो जाएगा, −1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1, बचा क्या 0 है ना, तो यहां पे आ गया 0। उसके बाद देखो, 3 − 3 0, 0 − 0 0, 0 − 1 तो क्या आएगा आंसर −1। ओके अब देखो, अब CJ माइनस ZJ के रो को देखो, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन रीच कर चुकी है। क्या ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। CJ माइनस ZJ रो शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0 मतलब 0 या 0 से कम वैल्यू चाहिए इसके ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए। सिंपल वर्ड में बोलू तो CJ माइनस ZJ रो में क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए या जीरो वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू एक भी नहीं चाहिए। तो यहां पे देखो, −3 0 0 0 −1 मतलब सारे के सारे नेगेटिव या जीरो वैल्यू है, मतलब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को रीच कर चुके हैं, है ना। अब आगे का इटरेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब आप अपने को आंसर को क्रॉस चेक करके देखना है कि हमारा जो आंसर है वो बराबर है कि नहीं है। देखो तो क्या करेंगे, जो वैल्यूज हम लोग को मिल गई यहाँ पे सॉल्यूशंस में, जो वैल्यू मिल गई, किस किस की वैल्यू मिले, एस वन तो रहता नहीं हम लोग को, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देखना है। ओके, एक्स थ्री का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 5, तो यहाँ पे लिख दो x3 = 5। देन x2 मिला है, x2 = 5, सो x2 = 5। ओके, और ZJ में कितना मिला 10, तो मतलब Z का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, है ना। तो स्टार्टिंग की Z की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट अप कर दो, है ना। Z की इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो ये था x1 − x2 + 3x3, है ना, ये Z की इक्वेशन थी, है ना, Z की इक्वेशन यहां से मिल जाती है हम लोग। ओके, तो ये Z की इक्वेशन थी हमारी, इसमें x2 x3 के वैल्यू पुट करो, और x1 है क्या हमारे पास, नहीं आया, तो उसको 0 पुट करना है ना। तो देखो, अब ये पुट करने के बाद Z की वैल्यू 10 आनी चाहिए, Z की वैल्यू अगर 10 आ गई मतलब हमारा प्रॉब्लम एकदम राइट है। ओके, तो चलो करते हैं, x1 0 माइनस x2 कितना है 5 प्लस, देखो 3 × 5, ये तो 0 कैंसिल हो गया, देखो −1, 3 × 5 = 15 प्लस 15, तो आंसर आ गया प्लस 10, है ना। Z का वैल्यू यहाँ पे भी देखो 10 है और आंसर भी आएगा हमारा प्लस 10, मतलब हमारा प्रॉब्लम एकदम बराबर है, एग्जैक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।